अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है हमारे घर में दावत, तो ईद की दावत है। मेरी अम्मी वाले आ रहे हैं, मिकी वाले, और मेरे मामू का बेटा भी आ रहा है। उसे भी मैंने बुलाया था, वो अपने ननिहाल आया हुआ था, तो मैंने उसे भी फ़ोन किया कि आ जाओ तुम हमारे घर। और ये देखिए मैंने कीमे के अंदर डाला है अदरक, हरी मिर्चें चॉप की हुई, और यहाँ मैंने डाला है ज़ीरा, और गरम मसाला डालूँगी मैं। अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले डाली जाएँ बस कीमे में, और तो टेस्ट के हिसाब से आपको, अगर आप तेज़ मिर्च मसाले खाते हैं तो फिर उस हिसाब से आप तेज़ खा डाल लें, और अगर आप कम खाते हैं तो उसके मुताबिक। तो यहाँ देखें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, सूखा धनिया, नमक, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो इसमें मैंने अंडा भी डाला था और बेसन भी डाला था, लेकिन वो मैंने आपको दिखाया नहीं। तो यहाँ मैंने प्याज लिया और उसे अच्छी तरह चॉप कर लिया, उसका पानी निचोड़ लिया था। तो ये देखें बॉल में डाल दिए ताकि मैं ये भेजूँ उधर तंदूर पे, और ऑयल भी मैंने डब्बी में डाला हुआ, और कीमा मैंने डब्बी में डाल दिया, सब तैयार कर दिया और शॉपर में डाल के और रेडी कर दिया। तो यहाँ मैं मटन पुलाव बनाने लगी हूँ, उसमें मैंने देचकी में डाल लिया, मैंने प्याज और ऑयल डाल लिया, और प्याज ब्राउन होने लगा। और यहाँ आ गया मेरे मामू का बेटा, बैठा हुआ अम्मी वालों को फ़ोन कर रहा है कि आपने कब आना है। तो यहाँ मैं दही का रायता तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने डाला है धनिया पुदीना और हरी मिर्चें, थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा दही में मैं ग्राइंड कर रही हूँ। और यहाँ मैंने दही फेंट लिया है, और फेंट के अब मैं डालने लगी हूँ धनिया पुदीना जो मैंने ग्राइंड किया हुआ है। तो ये देखे रायता हमारा तैयार हो गया बहुत अच्छा। तो यहाँ प्याज ब्राउन हो गया, और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर, हरी मिर्चें, और बहुत ही टेस्टी ये तैयार होता है मटन पुलाव, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आपको पसंद है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस को ये पसंद है। और इसमें जा रहे हैं मसाले, नमक, सूखा धनिया पिसा हुआ, और गरम मसाला, देखें ज़ीरा, और कुटी हुई लाल मिर्च, और यहाँ देखें मेरा मटन गल गया हुआ है, मैंने इसकी यखनी निकाल ली हुई है। और इसमें डालूँगी अब मैं मसाले के अंदर, यहाँ मैंने इमली भी डाली है। तो अब मैं डालूंगी ये मटन, और इसमें डालूंगी फिर मैं यखनी, और बहुत ही ये टेस्टी ये बना था। तो यहाँ देखें हमारा मटन पुलाव रेडी हो चुका हुआ है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मज़े का। तो यहाँ देखिए तंदूर से नान लग कर आ चुके हैं कीमे वाले, मेरे हस्बैंड लगवा के लाए थे, और बहुत ही टेस्टी थे ये, तो बहुत ही मज़ेदार बने थे। और यहाँ देखें पूरी फैमिली बैठी हुई है, भाई, भतीजा छोटा सा, और भाभी भी, अम्मी भी, सारे जने बैठे हुए हैं, मेरी सास अम्मी भी बैठी हुई थी, तो सब ये बैठे हैं। ये छोटा सा मेरा भतीजा है, माशाल्लाह अल्लाह ताला लंबी लंबी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली। कमेंट में आपने भी माशाल्लाह कहना है, और इसके लिए ढेरों दुआएं करनी है, अल्लाह ताला इसे ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, लंबी और ढेरों खुशियां दे मेरे भतीजे को। तो यहाँ हमारी तरफ खाना खाकर, और फिर छोटी बहन के घर गए थे, पास ही रहती है,
और ये देखें उसने फिर खाने पीने के लिए चीज़ें आगे रखी हैं। और जनाब मैं बर्तन धो के फारिग हो चुकी थी, ये देखें कितने ज़्यादा बर्तन थे हमारे धोने वाले, और ये देखें धुल के रेडी हो गए। अच्छा आप मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।